और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग होगी आज शाम 6 बजे। गठबंधन की अहम बैठक होनी है, आगे की रणनीति पर बैठक में चर्चा की जाएगी और जीत के बाद सहयोगियों के साथ मंथन किया जाएगा। अब नतीजा सामने आ चुका है तो अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज एनडीए की भी शाम को बैठक हो सकती है तो वहीं इंडिया गठबंधन की भी आज शाम 6 बजे अहम बैठक होगी। और इंडिया गठबंधन जिसने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगियों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और अब तो ताल ठोकी जा रही है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो एक तरफ जाए एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया ने अपने साथी दलों को दिल्ली बुलाया है। 24 की सरकार को बनाने की ओर एनडीए ने बड़ा कदम भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन पार्टियों के बीच मंथन का दौर अब भी जारी है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक आज होगी। सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक में पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है, साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली में शाम 4 बजे एनडीए की भी बैठक होगी जिसमें साथी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी शामिल हो सकते हैं। उधर दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी में शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्ष आगे की रणनीति तैयार करेगा। तो लोकसभा चुनावों में विपक्ष भले ही बहुमत के आंकड़े से दूर रहा, लेकिन उसने बीते एक दशक के बाद शानदार वापसी की। खासकर 5 राज्यों में विपक्ष ने बीजेपी को सीटों का जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 2019 में सियासी गलियारे में रेंग रहे विपक्ष को 2024 में एक बड़ी हिम्मत मिली है। न सिर्फ दक्षिण बल्कि उत्तर भारत में विपक्ष ने बीजेपी के वोट बैंक में जमकर सेंध लगाई। मैं आपको सच बताऊं, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। वहीं यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे जनता की जीत बताया। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। हैदराबाद से जीत हासिल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। Z News.